हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो एक छोटा सा सेशन है, केवल आपको एक जानकारी देनी थी। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा भी नहीं होगा कि आपकी रिक्रूटमेंट के टाइम पर आर्यावर्त बैंक के जितने भी DVI हैं अभी तक PO का और ऑफिस असिस्टेंट दोनों के DV मेल रिसीव हो चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे DV हैं, मेल हैं। यहाँ पर देखिए, ये मेरा ऑफिसर स्केल 1 का है, ये मेरा ऑफिसर स्केल 1 का है, और ये ऑफिस असिस्टेंट का है यानी कि मल्टीपर्पज़ क्लर्क का है। तो इसमें आपको एक चीज़ बस क्लियर करनी थी कि आपको 20,000 रुपीज़ वहाँ पर आपके जमा होंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, पॉइंट नंबर 7 अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें क्लियर इन्होंने ये कह दिया है, यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 20,000 रुपीज़, यानी कि आपको 20,000 रुपये लेकर आने हैं, विच विल बी डिपॉजिटेड इन योर नेम एज शॉर्ट टर्म डिपॉजिट रेसिप्ट, यानी कि SDR के रूप में ये आपके नाम से जमा कर दिए जाएंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज, जो कि 90 दिनों के लिए जमा रहेंगे। द SDR विल बी केप्ट अंडर बैंक्स लीन एंड शैल बी लाइबल टू बी 44 फिटेड इन केस यू डू नॉट ज्वाइन द बैंक आफ्टर रिसीविंग द फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर। ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए जमा किए जा रहे हैं? ये इसलिए जमा किए जा रहे हैं कि मान लीजिए आपने DV में गए, कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनका क्लर्क में भी आया होगा, PO में भी आया होगा, कई सारे ऐसे होंगे जिनका क्लर्क में आ गया होगा और IBPS PO में भी आ गया होगा। तो इस चीज़ों से बचने के लिए कि बैंक को लॉस ना हो, इसलिए वो 20,000 रुपये आपके नाम पर पहले जमा कराएंगे कि आपको जब हम फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे उसके बाद यदि आप उस पैसे अगर आप बैंक को ज्वाइन नहीं करते तो ये रुपीज़ उनके रख लिए जाएंगे। और जो बॉन्ड वाली बात है वो इस तरह से है कि आपने सर्विस ज्वाइन कर ली, यहाँ पर आप सर्विस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो 20,000 रुपये आपके चले जाएंगे, और जो 2 लाख या 1 लाख के जो या 50,000 के जो भी बॉन्ड्स हैं वो कब काम करेंगे, वो आपको कब देने पड़ेंगे कि मान लीजिए आपने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद उन्होंने जो पीरियड ऑफ टाइम दिया है उस पीरियड ऑफ टाइम में आपने अपनी जॉब को छोड़ दिया, उस पीरियड ऑफ टाइम में आपका जितना वो बॉन्ड में पैसा भरा गया होगा वो पैसा आपको देना है। और अगर आपने DV में आप गए, आपने वहाँ पर आपको 20,000 रुपये आपने जमा करने हैं, ये सभी लोगों को लेकर जाने हैं और ये इसका आप व्यवस्था करके रखिए। बॉन्ड वाले रुपये आपको लेके नहीं जाने, केवल आपको बॉन्ड इश्यू करना है और वो लखनऊ की ही नोटरी से बनेगा, तो इतना आप ध्यान रखिए, अपने घर से बनवा के मत ले जाना, वो आपका काम नहीं करने वाला। तो क्लियर हो गया होगा कि 20,000 रुपये आपके तब जा सकते हैं जब आपको फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए और आपने ज्वाइन नहीं किया, और बॉन्ड वाला पैसा आपको तब देना पड़ेगा कि आपने ज्वाइन तो कर लिया लेकिन उन्होंने जो पीरियड ऑफ टाइम दिया है उस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ही आपने अपनी जॉब को छोड़ दिया। ये यहाँ पर देखिए क्लर्क वाले में भी दिया है, और इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ 7th पॉइंट, मैं आपको दिखा देता हूँ ऑफिसर स्केल 1 के अंदर आर्यावर्त बैंक ने, इसमें भी इन्होंने यही बात कही है कि आपको 20,000 रुपीज़ लाने हैं। और एक महत्वपूर्ण बात जो इन्होंने कहा है वो यहाँ पर इन्होंने कुछ एक चीज़ इन्होंने मेंशन की हुई है, इन्होंने एक आप पढ़ लीजिएगा, इन्होंने एक चीज़ मेंशन ये भी की है कि आप अपने साथ अपना जो भी खर्चे का सामान है वो आप लेके आइए, वहाँ पर आपको रुकना पड़ सकता है, उस हिसाब से आप आइए, क्योंकि जैसे ही ये फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होंगी उसके तुरंत बाद आपको वो लोग ऑफ़र लेटर यानी कि ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे कि आपको कौन सा रीज़न मिला है, तो आपको वहाँ रुकने के हिसाब से भी अपना पूरा बंदोबस्त करके जाना है, यानी कि और जो प्री रिक्रूटमेंट में पैसा भरा जाना है उस पैसे की आपको व्यवस्था करके ले जानी है, इतना काम आपको करके ले जाना है। तो बस इतनी सी बात आपको बतानी थी, और जो लोग भी तैयारी कर रहे हो हिंदी या कंप्यूटर के लिए वो आप इस चैनल पर जुड़ सकते हो, RRB PO ऑफिस असिस्टेंट और LIC असिस्टेंट के लिए। धन्यवाद।